हेलो एवरीवन। तो हम जैसा कि आपको पता है करंट इलेक्ट्रिसिटी के एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर रहे हैं। लास्ट वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो गया था। हम क्वेश्चन नंबर 18 पे आए हुए थे जो इसमें देखो ए स्टडी करंट फ्लो इन द मेटालिक कंडक्टर। एक मेटालिक कंडक्टर नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है। नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है कि कुछ ऐसे है उसका एरिया वेरी हो रहा है, कहीं पर विड्थ कम है कहीं पर विड्थ ज़्यादा है। एक्सप्लेन विच ऑफ दीज क्वांटिटी कॉन्स्टेंट, इनमें से कौन सी क्वांटिटी कॉन्स्टेंट रहेगी। देखो पहली क्वांटिटी इन्होंने करंट दे रखा है, करंट किसके इक्वल होता है, क्यू बाई टी के इक्वल होता है। दूसरी क्वांटिटी करंट डेंसिटी दे रखी है, वो आई बाई ए के इक्वल होता है। तीसरी क्वांटिटी इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है जिसकी रिलेशन ये होती है। फोर्थ क्वांटिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी दे रखी है जिसकी रिलेशन ये होती है। यहाँ पर ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी ई मास, ये स्मॉल ई मास, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, टाउ रिलैक्सेशन टाइम है, एम क्या है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें देखिए बेटा, इसने बोला है कि स्टेडी करंट फ्लो है। स्टेडी करंट का मतलब होता है करंट ही कॉन्स्टेंट है, करंट ही कॉन्स्टेंट है, तो ये करंट कॉन्स्टेंट हो गया। अब ये वाली क्वांटिटी तो कॉन्स्टेंट है, लेकिन मैंने एरिया बताया था, एरिया इसमें कभी कई बार विड्थ एरिया जो क्रॉस सेक्शन है वो कम होगा क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म एरिया है, तो डेंसिटी चेंज हो जाएगी। जब डेंसिटी चेंज हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगी, और यहाँ पर सिग्मा तो क्या है, कंडक्टिविटी है, ये मेटेरियल पर डिपेंड करती है, उसकी प्रॉपर्टी है। तो जे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हम ई लिख सकते हैं, अगर सिग्मा हमारी प्रॉपर्टी है कॉन्स्टेंट है फॉर मेटेरियल के लिए। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो गई यहाँ से, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, चेंज। यानी एक ही क्वांटिटी है जो कॉन्स्टेंट रहेगी उसको हम बोलते हैं करंट। बी देखें, इज ओम्स लॉ यूनिवर्सल एप्लीकेबल फॉर ऑल कंडक्टिंग एलिमेंट्स, इफ नॉट गिव एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट विच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ। ये कहता है कि क्या सभी ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, नहीं, ओम्स लॉ को सारे मेटेरियल ओबे नहीं करते, ओम्स लॉ को मेटालिक कंडक्टर ही ओबे करते हैं मेटल के लिए। देखो मेटल जो होता है, मेटल मेटल की कंडक्टिविटी हाई होती है, और जो नॉन मेटल है ये इंसुलेटर, उसकी कंडक्टिविटी लो होती है। अब मेटल और नॉन मेटल के बीच के इसके लगभग मिड में, यानी जिनकी कंडक्टिविटी मेटल से कम होती है इंसुलेटर से ज्यादा होती है, ऐसे कंडक्टर भी होते हैं जिनको हम सेमी कंडक्टर बोलते हैं। सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते, और वैक्यूम ट्यूब्स होती हैं, डायोड होती हैं, ये ओम्स लॉ को ओबे नहीं करती, आप इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद है सी, ए लो वोल्टेज सप्लाई फ्रॉम विच वन नीड हाई करंट मस्ट हैव लो इंटरनल रेजिस्टेंस। वाई ए लो वोल्टेज सप्लाई फ्रॉम विच वन नीड हाई करंट, यानी एक लो वोल्टेज सप्लाई है फ्रॉम विच वन नीड हाई करंट, जिसमें हाई करंट की वैल्यू चाहिए फॉर लो इंटरनल रेजिस्टेंस, लो इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए वाई। तो इसमें देखे बेटा, हमें करंट चाहिए, ईएमएफ है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहां से देखिए, इंटरनल रेजिस्टेंस कम कर दे तो करंट की वैल्यू क्या मिलेगी, क्या चाहिए हमें, ज्यादा चाहिए कम चाहिए, ये तो आप सिंपल सी बात दिखाई दे रही है। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस कम है तो करंट हमें ज्यादा ही चाहिए। आगे है डी पॉइंट, ए हाई टेंशन सप्लाई ऑफ से 6 किलोवोट, एक हाई टेंशन सप्लाई 6 किलोवोट मस्ट हैव वेरी लार्ज इंटरनल रेजिस्टेंस वाई। आई आपको पता है ई बाय आर होता है, सप्लाई बहुत ज्यादा दे दी, ईएमएफ कहने का मतलब है। अगर ये कम हो तो करंट भी क्या हो जाएगा, ज्यादा, सारी की सारी वायर जल जाएंगी। इससे अच्छा ये हो कि इसको ज्यादा कर दो, करंट हो जाए कम, करंट कम हो जाएगा, वायर जलने से बच जाएंगी। तो देखिए, ए हाई टेंशन सप्लाई मस्ट हैव टू लार्ज इंटरनल रेजिस्टेंस, अदरवाइज एक्सीडेंट हो सकता है, सर्किट शॉर्ट हो सकता है, डैमेज हो सकती है वायर, और बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 19, एलॉय ऑफ मेटल यूजुअली हैव ग्रेटर या लेस रेजिस्टिविटी देन दैट ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट्स मेटल। ये कहता है एलॉय की रेजिस्टिविटी कम होगी ज्यादा होगी, रेजिस्टिविटी देखो, रेजिस्टिविटी क्या है, प्रॉपर्टी है करंट को रोकने की, करंट को रोकने की प्रॉपर्टी है मेटेरियल की,
यहाँ पर ये बोलता है कि अलग अलग मेटल मिलाए हमने, जैसे नाइक्रोमियम है, नाइक्रोम है, नाइक्रोम में निकल मिलाया, तो मान लिया पहले निकल का केस लेते हैं, मान लिया निकल का स्फीयर है, इसकी करंट डेंसिटी, इसकी मतलब कि रजिस्टिविटी जो है वो कुछ होगी, और क्रोमियम है इसकी रजिस्टिविटी भी, मैं इन दोनों को मिला दूँ तो दोनों की रजिस्टिविटी कंबाइन हो जाएगी, तो रजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। एलॉय हैव यूजुअली मच हायर लोअर हायर टेम्परेचर कोफिशिएंट और रेजिस्टेंस देन प्योर मेटल, तो प्योर मेटल से इनका जो कोफिशिएंट है वो हाई होता है या लो होता है। देखो जो अल्फा है, जो अल्फा वो आर टी माइनस आर नोट अपॉन टी माइनस टी नोट के इक्वल होता है, और जो इसकी वैल्यू होती है मल्टीप्लाई 100, तो जब आर टी ग्रेटर हो गया, आर टी ग्रेटर हो गया, रजिस्टिविटी ऑफ एलोय मैगनीन इंडिपेंडेंट इंक्रीज विद, जब आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया एलोय का, ठीक है, जो इसकी देखिए जो अल्फा है उसकी वैल्यू आर टी माइनस आर नोट अपॉन आर नोट इंटू टी माइनस टी नोट इंटू 100, इतना ही होता है, आर टी माइनस आर नोट अपॉन आर नोट टी माइनस टी नोट होता है। तो इसमें क्या है, इसमें ये बताना है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज नहीं, एलॉय यूजली हैव मच लोअर हायर टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस, अच्छा प्योर मेटल की कंपैरिजन, तो प्योर मेटल के केस में देखिए बेटा, ये जो रेजिस्टेंस है, जब हम एलॉय बना देंगे तो आर की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, जब आर की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और ये भी बहुत कम वैरी करता है इसके केस में आर टी माइनस आर नॉट टेम्परेचर के साथ, तो रिजल्टेंटली ये इंक्रीज हो जाता है, तो अल्फा डिक्रीज हो जाता है। द रजिस्टिविटी ऑफ द एलॉय मैग्नीन इज नियरली इंडिपेंडेंट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो रजिस्टिविटी ऑफ है जो एलोई मैग, ये तो देखो पहले भी हम कर चुके हैं, मैगनीन की इंडिपेंडेंट ही होती है, ये हम क्वेश्चन में कर चुके हैं पहले लास्ट वाली वीडियो में कि व्हीटस्टोन में या पोटेंशियोमीटर में मैगनीन क्यों लेते हैं। डी है देखें, जो आपको वीडियो बनाई जा रही है उसको कंप्लीट देखें, कुछ कंसेप्ट होते हैं जो लास्ट वाली वीडियो से अटैच होते हैं, आपने लास्ट वाली वीडियो ना देखी हो या बीच में गैप करके देखी हो तो फिर समझने का कोई फायदा नहीं है। डी देखिए, द रजिस्टिविटी ऑफ टिपिकल इंसुलेटर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ मेटल बाय फैक्टर ऑफ द ऑर्डर, रजिस्टिविटी ऑफ टिपिकल इंसुलेटर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ मेटल बाय फैक्टर ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10^22। रजिस्टिविटी इंसुलेटर की ग्रेटर होती है मेटल से, तो 10^22 ग्रेटर होती है, ये ध्यान रखिए। गिवन एन रजिस्टर्स, एन रजिस्टर्स दे रखे हैं जिसका ईच ऑफ रजिस्टेंस कैपिटल आ रहा है, हाउ विल यू कंबाइन, आप उसे कैसे कंबाइन करें मैक्सिमम और मिनिमम। देखिए मैंने लास्ट वीडियो में बता रखा है आपको वो कि सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड होता है, पैरेलल में होता है, और जब सीरीज में ऐड हो गया तो रेजिस्टेंस सीरीज में ज़्यादा हो गया, पैरेलल में कम हो गया, ये बात ध्यान रखें। तो इसका आंसर आएगा सीरीज में जोड़ेंगे तो ज़्यादा और पैरेलल में जोड़ेंगे तो मिनिमम। व्हाट इज द रेशो मैक्सिमम टू द मिनिमम, तो आप यहाँ से ये डिवाइड कर सकते हैं, ये फॉर्मूला आपको पता है, आर इज इक्वल टू एन आर, आर बाय एन, तो एन स्क्वेयर हो जाएगा। उसके बाद है बेटा, गिवन रेजिस्टेंस 1 ओम 2 ओम 3 ओम, 1 ओम 2 ओम 3 ओम,
हाउ विल यू कंबाइन देम टू गेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ओ? 11 बाई 3, 11 बाई 5 और 6 और 6 बाई 11। तो देखिए बेटा, हमने इनको एक्चुअली में कंबाइन करना है तो सिंपल सी बात है, सीरीज में ऐड करोगे तो 3 और 2 5 और 1 6, 6। ये 6 कैसे आया? सीरीज में ज्वाइन करने से। पैरेलल में ज्वाइन करो एक बार, 1 बाई आर पी किसके इक्वल होगा? 1 बाई आर पी होगा आपका। 1 का इनवर्स करेंगे 1, 2 का इनवर्स करेंगे 1 बाई 2, इसका इनवर्स करेंगे 1 बाई 3। सोल्व करो, 6 6 प्लस 3 प्लस 2, तो आरपी की वैल्यू आएगी 6 और 3 9 और 11। 11 आ गया तो आरपी की वैल्यू आ गई 6 बाई 11। तो ये आया सीरीज से, ये आया पैरेलल से। अब बात आती है इनकी कि ये 11 बाई 3 कैसे आया है, तो देखते हैं। देखो यहां पे है, वन और टू, वन और टू को आप पैरेलल में करें एक बार तो क्या रिजल्ट आएगा? वन और टू को पैरेलल में करें तो मल्टीप्लाई कर दो और दोनों का सम कर दो, प्लस में 3 ऐड कर दो, 3 3 9। हाँ तो देखिए ये 1 और 2 है ना, 1 और 2, इसको ऐसे कर लें, 1 2, ये दोनों हो गए पैरेलल में। नेट रिजल्ट निकालने इसका, तो इसका मैंने शॉर्टकट बता रखा है कि दोनों की मल्टीप्लाई करें और दोनों का सम कर दें, प्लस 3 ऐड कर दो, तो 3 3 9, 9 और 2 11, 11 बाई 3। पर 11 बाई 5 कैसे आया है? 11 बाई 5 देखें, पहले को एज इट इज रख दे 1, ये दोनों को पैरेलल में ले लें, 2 को और 3 को, 2 वाले को और 3 वाले को, तो ये इसका मल्टीप्लाई करें 6 बाई 5 प्लस 1, तो 11 बटे 5, ये उस केस में हो जाएगा। डेटरमाइन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क, नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला। ये देखो बेटा, ये बड़ा देखो, इसमें करंट मान लिया आई आ गया तो सभी में आई ही जाएगा, सीरीज में हो गया आर 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 आर, कितनी बार? 1 2 3 4 5 4 आंसर आ गए इसके। ये देखें ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, तो 1 और 1 2 और 2 और 2 4, तो ये 2 हो गया, ये 4 हो गया। फिर ये दोनों पैरेलल में है तो दोनों की मल्टीप्लाई कर दें, अपॉन दोनों का सम, 2 दिया 6, 4 बटे 3 हो गया, तो इनका कंबाइन हो गया 4 बाई 3। ऐसे इनका करें 4 बाई 3, 4 बाई 3, तो 1 2 3 4, 4 बार 4 बाई 3 सीरीज में, तो 16 बाई 3 आ जाएगा। हाँ 16 बाई 3 आ जाएगा, 16 बाई 3 आ जाएगा। ये 3 है, नीचे 4 नहीं है,
तो डिटरमाइन द करंट ड्रॉन फ्रॉम ए 12 वोल्ट सप्लाई, 12 वोल्ट सप्लाई से कितना करंट आएगा जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 है, इनफाइनाइट नेटवर्क है। तो देखें बेटा इसमें देखें, इनफाइनाइट नेटवर्क है, इनफाइनाइट नेटवर्क। तो इनफाइनाइट, अगर किसी इनफाइनाइट चीज़ में हम थोड़ा सा पार्ट निकाल लें तो कुछ फर्क नहीं पड़ता ना, तो मैं इतना पार्ट निकाल रहा हूँ। ये जो पार्ट बचा ये सारा इसके पैरेलल में है, समझ रहे हो इस चीज़ को? इसको हमने एक्स मान लिया और ये इसको इसको तो यहाँ बना लिया तीनों को, और ये जो इनफाइनाइट पार्ट था इसको एक्स मान लिया। अब एक्स और वन किस में हो गए बेटा? ये दोनों पैरेलल में हो गए, तो दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं अपन दोनों का सम, ठीक है? फिर ये और ये तीनों पैरेलल में हो जाएंगे, तो वन और वन टू, टू और ऐड कर दें तो हमारे पास रिजल्ट आएगा एक्स प्लस टू प्लस टू एक्स अपॉन एक्स प्लस वन। तो टू एक्स थ्री एक्स, तो थ्री एक्स प्लस टू अपॉन एक्स प्लस वन, थ्री एक्स प्लस टू अपॉन एक्स प्लस वन। तो ये हमारे पास आ जाएगा, थ्री एक्स प्लस टू अपॉन एक्स प्लस वन, ठीक है? ये हमारे पास क्या आ गया? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम किसके इक्वल मान के चले यहां पर देखें, एक्स के इक्वल। तो इसको एक्स के इक्वल पुट कर दें, जो यहां पर पुट कर रखा है ये, क्रॉस मल्टीप्लाई करें आपस में, सोल्व करके हमारे पास वैल्यू आएगी एक्स इजिकल टू वन प्लस माइनस √3। तो नेगेटिव नहीं हो सकती इसकी वैल्यू, 2.73 आ गई। इंटरनल रेजिस्टेंस ऐड करें तो वाई की वैल्यू 12 अपॉन 3.23 आ जाएगी, 3.72 एम्पियर। तो यहाँ तक रेजिस्टेंस का हमने कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम ये पोटेंशियोमीटर का करेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज वाला, और चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ओके, थैंक यू।